जगेगा तो कुछ टोवेगा, सोवेगा तो कुछ खोवेगा। तो जब एक कहा करें भाई, आदमी जागेगा तो कुछ काम करेगा, उसके आगे होगा, और सोए जाओ सोए जाओ सोए जाओ, उससे क्या मिला? कुछ नहीं मिलता। नींद टाइम आएगी की, ना टाइम की मैं बर्बादी। आखा मतलब बता फिर मेरे क्या रे। कुछ है? राम जी सारा ने एक और नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। अभी उम्मीद करें आप सब कति सारे बढ़िया हो गए, अपने घर हम भी सारे ठीक ठाक हैं। आज दिन है शनिवार का, चारों बच्चे जा लिए हैं स्कूल में। भाई आज के अब लोग बहुत बढ़िया है अपने का, देखते रहिए आप, स्किप मत करिए, और जो भी कुछ होगा आप सबके साथ शेयर करते रहूंगे। मनसु गया आज लेट स्कूल में, क्यों गया यह भी बताऊंगी। आज 11 बजे के आसपास गया है और तीनों बच्चे जा लिए थे सुबह 7 बजे। आज मैं नहाई हूँ ईव, काफ़ी लेट 11 बजे का टाइम हो रहा है। काम कुम सारा कर लिया है, क्योंकि भाई जब कोई चीज़ ख़राब हो जाए ना तो फिर आदमी ने बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। 2 दिन हो गया मशीन हो रही है ख़राब, तो आज तक कपड़े धोने, फिर आज जो सुखाने वाली थी वह भी खोल कर जा रहा है। मिस्त्री दिखाऊंगी आप सब तय। हर पिंकी अभी लाग रही है मशीन पर बैठी है, सूटा की सिलाई करने लाग रही है, 5-4 दिन में चलाएगी। क्योंकि भाई जब हमारे 2-4 सूट हो जाएगा ना, फिर हमने सोचा अगर लगातार 5-4 दिन लाग कर सिलाई कर देंगे। तो आज देखती हूँ बीज भी रखे, बीज बोने का टाइम नहीं मिला था क्योंकि हमारी कस्सी कोई पड़ोसी लेकर जा रहा था, रवा होगी अगला ने खो दी तो नहीं कस्सी का लेकर आए। आज कुछ काम करा है, देखती हूँ सन है कि कुछ कर पाऊंगी बीज, क्योंकि भाई शाम के टाइम में बोया था। आप सब वीडियो में बने हुए अभी दिखाती हूँ। पिंकी ना भाई यो सूट पूरा कंप्लीट कर दिया है, एक ही तुरपाई थोड़ी सी रह रही है, कुछ मैंने निकाल कर दी थी। आज इसकी सलवार कंप्लीट कर दी है, क्योंकि रह रही थी इसके पोचे के, या सलवारें है ना, हाँ ये बना दिए, एक ही पोचे कंप्लीट कर दी है। छापे की सलवार के पूछे ना दिख, तेरे का अंदर है पिंक कलर की, वह बना सीम का अंदर रख दी है। अरे मशीन बंद कर दी है, अगले सूटा की कटिंग करेंगे। तो इधर देख लो बाहर कितने कपड़े धो रखे, ये सारे कपड़े ना आते सर्फ में धोकर साबुन बुरश लगा कर, उसके बाद ये सारे गिल्ले के गिल्ले तार पर गिरने पड़े हैं। जो भारी कपड़े थे वे कुर्सियाँ पे गिरे थे, बाकी तो ही तो तकरीबन भगवान की दाता जावा बढ़िया चल रही है, और धूप भी ठीक है, अड़के अड़के हो गए हैं, सूख गए हैं तकरीबन, बस पलटा देंगे इनका। क्योंकि भाई इस मौसम में तो अगर मशीन में हम ना भी सुखावें तो काम चल जाए है, वरना जाड्डा के मौसम में तो कति नहीं चलता। इधर देख लो हमारी मशीन का क्या हाल हो रहा है, जो सुखाने वाली थी वह तो बिल्कुल ठीक है, पर मशीन जब खोल लेंगे तो फिर सारी ये खुल आकर है। जो धोने वाली थी उसका कल एक सामान मिस्त्री लेकर आया था, वो लगाया तो नहीं काम चला, फिर पता नहीं गेर बक्सा के को था उसमें कुछ दिक्कत है, तो सारी खुली पड़ी है। इसलिए कल फिर शायद आज ठीक हो जाएगी, तो कल फिर बाकी जो कपड़े हैं, क्योंकि कल संडे का दिन है, बच्चे के स्कूल की ड्रेस भी हो जाएंगी, तो फिर कल दोगे भाई के काम में। औरत की केक के ब्रांड माटी हो जाए, क्योंकि भाई अगर औजार ठीक हो गए तो काम करना मजा आवा, और औजार खराब हो जाए तो फिर सारा काम खराब हो जाए, रेरे माटी हो जाए। भाई बच्चे आ गए थे स्कूल में, स्कूल में तय आके खाना पीना खवा दिया है, रेस्ट भी कर लिया है, टाइम हो रहा है 4 बजे का। राज मैंने चूल्हे पे एक और बाट दे दी है, और कपड़े धोए थे हाथ के लिए, जो कि वीडियो आप सबके साथ शेयर करी थी। फिर मैं देखती हूँ जो मैंने बीज भी रखा है, कई दिन तो टाइम नहीं लग रहा क्योंकि कस्सी नहीं थी, तो भी हूँ जाकर मैं खोद कर फिर उसने भी होगी, क्योंकि शाम के टाइम भी आ जाकर राज घर के आए मेरे से, देखो कित मेरी मशीन दरवा दी, क्योंकि भाई शाम का टाइम हो गया। कि भाई दिन में तो चलो काम चल भी जावा, शाम का टाइम सारे बाहर बैठ गए तो मेरा बाहर बैठना अलाउड होना है, थोड़ा तकत पे गेट के आगे पिंकी तो बैठ जाओ क्योंकि वह बड़ी होगी, तो मेरे लिए अलाउड नहीं है क्योंकि बड़े छोटे सारे हैं। मैं अपना सारे सामान ठाक आड़े लेकर आ गई, यहाँ पर कोई नहीं आता, यहाँ पर मैंने अपनी पिंकी ने सुबह कर दी थी क्लियर, 2 सलवार 1 सूट 1.5 सूट कम्प्लीट हो गया था, इनर नहीं आ रहा क्योंकि वे जमकरी पर काटने रह रहे हैं, और इस सूट का भी इनर रह रहा है, इनर फिर इसने काटेंगे बाद में, तो यह सलवार मैंने काट दी है। अरे मैंने इसके कलीपाट जोड़ दिए हैं, बेल्ट तैयार कर दी, अरे चुनट डाल दूंगी 5 बजे तक करूँगी, उसके बाद फिर दाग दूर निकालूंगे, बर्तन ले आऊँगी, और बर्तन वर्तन कर दिए, फिर चाय भी बना कर पी ली है। और भाई क्या करें, बड़े छोटे की होया कर सर, तो जी तो अपना घर में अवेलेबल हो रहा है, आदमी काम कर लेगा, और आजकल माखी गनी होगी कान लो चलना कर, तो मैं एक बार सीम लूँ फिर मिलते हैं आप सब तो थोड़ी देर बाद, ठीक है? क्योंकि मिलजुल का काम करना पड़ा है। पिंकी ने सुबह मशीन रख रखी थी, भाई एक आदमी मशीन पे इतना बोर हो जाए, इतना कितना काम करेगा, और सूट मारे कई हैं, तो कुछ हेल्प मैं कर दूँ, कुछ मैं सीम लूँ, कुछ पिंकी सीम लूँ, थोड़े मिलकर हमारा काम चल जाएगा, ठीक है? हमारी बैठने वाली मशीन नहीं है, और तख्त पर बैठ कर तो कुर्सी बैठ कर काम चल जाए ना, तो नीचे रख कर बैठ बना ली मशीन है, तो ऐसे पड़ोसी हमारे लिए काम चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, वैसे जिला बढ़ काम कर मामा है ना भूमि, आज बड़ा काक सारे सो गए क्योंकि कल संडे है ना, छुट्टी है सारे ना, तो आप सोता ना तो किसी ने सोन देता, दोपहर में पिंकी पूरा दोपहर काम कर रहे थे।
आप किधर थे? मैं सोई थी एक घंटा रेस्ट करा था। मच्छर बैठ गया तेरे मुंह पे? मैं छाना सी मैंने दे दिए, दलिया में डाल दूंगी। भूमि कल इसकी छुट्टी है तो आज भूमि तब का काम करेगी। तुम चंद छाने की झाड़ू झूड़ू निकाल लगे, शाम के खाने की कर दी है तैयारी। आज भाई शाम ने बनाऊंगे कुछ हल्का फुल्का सा। ये रे चावल और दाल ये दो कर रख दी है, आग लगा के मैं धर दूंगी ना। अरे मैं चल लूँ बाहर, अभी धारा का टाइम हो गया, धार निकाल तो मैंने मशीन रख दी है। एक्स्ट्रा टाइम मैंने लोग सो जावे है तो मैंने 3 बजे काटी थी सलवार, 3:15 तक ही काट दी और फिर एक घंटा उसको जोटा मार दिया। बस पोछे पोछे रह गए, ये कल देखूंगी तो कि बस कोई इतना जरूरी नहीं है, कति अड़ रही है तो फिर एक्स्ट्रा टाइम हो जाए। आज मैंने इस पर एक बार टोर दी थी तो तकरीबन मेरा आधा चूल्हा बनकर हो गया तैयार। आज धूप इतनी कड़ी हो जिनके दिन में हर रोज़ सूख जाए, रोज घर लगा दूँ फिर सूख जाए, 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा। फिर हो गया धारा का टाइम, आगे हम गाय तो रहे निकाल लूँ धार ये गो माता, ठीक है क्योंकि 5:15 का टाइम हो गया, फिर बर्तन भी लेनी है ना तो लेट हो जाए। यहाँ पर मेरा पुत्र लग रहा है काम करने, कपड़े धोए थे आज, मशीन रख रखी थी तो कपड़े की तह लगानी रह रही, बाद में लगाऊंगी। तो इसने मैं बुलाई हुई भी मेरे तक के काम का होगा, बोल बेटा। आप वाकई बात क्या करो, बंदे जागेगा कुछ के बात है वा? ऐसे क्या करें, जागेगा तो कुछ टोवेगा, सोवेगा तो कुछ खोवेगा। तो जब कहा करें भाई आदमी जागेगा तो कुछ काम करेगा, उसके आगे होगा, सोए जाओ सोए जाओ सोए जाओ, उससे क्या मिला? कुछ नहीं मिलता, टाइम टाइम की बर्बादी। बता फिर क्या कुछ है आज संस्कृत पर ना, मैं उसमें भी ये बात आ गई। दिखाओ कैसे, यो श्लोक है ना जो आगे दिखाओ, यो श्लोक है इसकी आंधी है, जो मनुष्य जागता रहता है वह दूर दूर तक जाता है, जो मनुष्य सोया रहता है वह आगे जाकर फिर वापिस आ जाता है, दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति सबसे तेज होता है। हमें सदा शुभ संकल्प करना चाहिए कि मेरा मन महान। अच्छा। पहली 2 लाइन आपकी मैच है। जो बात कम है, जो कहावत कम है बेटा, जब तो क्या आग रहा है नू, क्या आग रहा ना तजुर्बा बहुत बड़ी चीज हो है। नूनी क्या आग रहा, पड्डे पड्डे तक काम नहीं चलता, कढ़ना भी बहुत जरूरी हो है। पढ़ना कढ़ना दोनों है जिंदगी में, जो बड़े आदमी हो आग रहा उनका कड्डा कड्डापन हो है। जो भी तजुर्बे की बात करें बेटा, ऐसे उनका कड्डापन ले लिया तो हाँ पढ़ोगे भी कढ़ोगे भी। अरे कड्डे आदमी पर जब जावा है, जब वक्त के साथ साथ जब ठोकर लग गए ना, जब वो उन सीख ले हुआ उसको कढ़ना बोलते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस, हाँ एक्सपीरियंस बिल्कुल कर ले काम तो, ठीक है। बता दियो भाई आप सब ने ये बात कैसी लगी, मतलब आप सब इन बातों से सहमत हो नहीं हो, ठीक है। यस गाइस, जाओ बेटा मैं। ओके मम्मी, ये मम्मी यहां पे क्यों कौन सी खेती करने लग गया पे? बेटा मेन बात है झाड़ ना, हां सारा घर का पानी बह का है। अच्छा तो खाद खुद खूब है तो या मिट्टी इसमें गाय भी नुआओ डंगर भी नुआओ तो खाद रिलेटेड है, इसमें कुछ भी मतलब खार खुरना गिरना पड़ा। अच्छा। तो यहाँ पे मैं ये सुबह खोद कर गई थी, सारी सफाई कर दी, बीज ठाके इसमें गिर दूंगी पानी गिर। किस चीज का है यो? है शायद गिया के 2-3 है, पता नहीं गोल गिया के एक लंबी के, बाकी अच्छा बाकी है तोरी के। अच्छा अभी हमारी खिचड़ी बन को गई है तैयार, आज हल्का सा खाना बनाया है खिचड़ी का, बाकी थोड़ा सा टाइम लगा रखा है, कोई खाओगा खा लेगा। खिचड़ी बन गई है, ठंडी भी कर दी है, अरे शाम को खाने पीने का टाइम हो गया है, शाम में आज खाऊंगे खिचड़ी क्योंकि भाई गर्मी में हल्का फुल्का खाना काफ़ी बढ़िया रहा है। और आर्य को बनाई थी, अरला का मैं चली गई थी, बस मैंने खतरे में कैसे संभाल की, सारा काम मिलजुल कर लिया, सारा काम हो गया है। और खिचड़ी किस किस को पसंद है भाई आर्य की कमेंट में जरूर बताइए। तो भाई वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो। कल मिलेंगे, राम राम सारा।